ये जो आपने FIR नंबर मुझे सेंड किया है, इस नंबर के खिलाफ 17 कंप्लेंट हमारे पास। आप ये नंबर यूज कर रहे हैं? अपना आधार कार्ड मुझे शो कीजिएगा वेरीफाई करने के लिए। डरिए ना, डरिए ना। ये ऑडियो सिर्फ जानकारी के लिए नहीं, ये कोई मनोरंजन वाला ऑडियो नहीं है। डिजिटल अरेस्ट ये फरेब की है। ये बातचीत एक पीड़ी और फ्रॉड करने वाले के बीच हुई है। डिजिटल अरेस्ट स्कैम। अब इसके बारे में आपने सुना तो होगा, नहीं सुना तो आपको बता दूं, ये एक टाइप का डिजिटल स्कैम है जिसने इंडियंस की बात करें तो कुल 120 करोड़ तक का नुकसान किया है। शायद आप में से कोई होगा जो ऐसे किसी विक्टिम को जानता होगा जो कि एक डिजिटल अरेस्ट स्कैम का शिकार हुआ है, क्योंकि इंडिया में ये इतना ज्यादा वाइड स्प्रेड है कि मानो आप डेफिनेटली किसी को जानते होंगे। लेकिन ये डिजिटल अरेस्ट स्कैम है क्या, कैसे इन लोगों को डराकर उनको लूटा जाता है और किस तरह आप बता सकते हैं कि आपको ऐसे फंसाया जा रहा है और इनको पहचानना कितना आसान है और कितना डिफिकल्ट, ये सब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। ये हमारा सीरीज जिसमें हम बताते हैं ये डिफरेंट स्कैम जो कि इंडिया में हो रहे हैं और किस तरह आप इनसे बच सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। डिजिटल अरेस्ट स्कैम एक ऐसा टाइप का स्कैम है जहां किसी को विश्वास दिलाया जाता है कि उनको लॉ इन्फोर्समेंट द्वारा डिजिटली अरेस्ट कर लिया गया है, या फिर कह सकते हैं कि उनको डरा धमकाकर ये विश्वास दिलाया जाता है कि उनको ऑनलाइन ही अरेस्ट किया गया है। अब इसको अंजाम देने के लिए अगर आपके ऊपर ड्रग्स सप्लाई करने का इल्जाम लगाना पड़े या फिर आपको बोला जाए कि आपका आधार नंबर किसी इलीगल एक्टिविटी के लिए यूज किया गया, तो वो ऐसे टैक्टिक्स यूज करते हैं आपको भरोसा दिलाने के लिए कि आपने कुछ गलत किया है। अब होता क्या है इसमें, अगर आपने कुछ गलत किया हो तो उसका जो जुर्माना है वह पेनल्टी देने के लिए आपको उसको कोर्स किया जाता है, आपको बताया जाता है कि आपने कुछ गलत किया है, उसकी पेनल्टी आपको देना जरूरी है और वो पेनल्टी सिर्फ आप ऑनलाइन ही दे सकते हैं और इसके लिए आपके घर पे लॉ इन्फोर्समेंट को भेजा जाएगा। अब इस स्कैम को बहुत ही सिस्टमैटिकली ऑर्डर में कंडक्ट किया जाता है। सबसे पहले तो आपको एक स्कैमर का कॉल आएगा जो आपको एक ऐसी कहानी सुनाएगा जिससे आप सुन के डेफिनेटली डर जाओगे, क्योंकि होता क्या है ये स्कैमर आपको कोई कस्टम ऑफिसर या फिर कोई पुलिस ऑफिसर या फिर कोई लॉ इन्फोर्समेंट का ऑफिसर बन के आपको ड्यूप करने की कोशिश करते हैं, आपको ये भरोसा दिलाने की कोशिश करते हैं कि ये एक्चुअल लॉ इन्फोर्समेंट से है और आपने कुछ गलत किया है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि कोई ऑटोमेटेड मशीन आपको कॉल करती है जो कि आपको बताती है कि आपका नंबर डीएक्टिवेट होने वाला है या फिर आपका आधार नंबर किसी इलीगल एक्टिविटी में पकड़ा गया है, तो इसलिए आपको कोई नंबर दबाकर उनसे कनेक्ट करना जरूरी है। हेलो, दिस इज मुंबई साइबर क्राइम डिपार्टमेंट। देयर इज एन इंपॉर्टेंट नोटिस फॉर यू। फॉर द फर्दर इंफॉर्मेशन बेसिकली ये आपसे रिएक्शन चाहते हैं। होता क्या है बहुत लोग ऑटोमेटेड कॉलर को सुन के कॉल को काट देते हैं, लेकिन ये ऑटोमेटेड कॉलर जो होता है बहुत ही चालाक होता है और आपको कॉल कनेक्ट करने के लिए मजबूर कर देता है, आपको कॉल कनेक्ट करने के लिए पता करने के लिए कि आपने क्या गलती की है, ऐसे इसको सेटअप किया जाता है। तो मल्टीपल सिनारियोज क्या हो सकते हैं कि आपको बेसिकली भरोसा दिलाया जाए कि आपने कुछ गलत किया है। सबसे पहले बताएंगे कि आपका मोबाइल नंबर किसी इलीगल एक्टिविटी के लिए यूज किया गया है और इसको थाने में रिपोर्ट किया गया है। सेकंड सिनेरियो हो सकता है कस्टम्स पर आपका कोई पार्सल पकड़ा गया है जिसमें ड्रग्स मिले हैं या फिर ऐसा कोई इलीगल सब्सटेंस मिला है जिसके लिए आपको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है, क्योंकि वो जो कस्टम्स का जो पैकेज है जिसका एड्रेस है वो आपसे किसी तरह कनेक्टेड है। थर्ड एक सिनेरियो हो सकता है कि आपका जो आधार कार्ड है उसको किसी इलीगल एक्टिविटी या फिर कोई इलीगल सिम खरीदने के लिए यूज किया गया है और इसी के चलते आपके लिए एक डिजिटल अरेस्ट वारंट उन्होंने इशू किया है। अब ऐसे बहुत सारे सिनेरियोस हो सकते हैं, मैंने आपको 3 एग्जांपल दिए हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं ये स्कैमर्स बहुत ज्यादा चालाक होते हैं और कोई भी सिनेरियो ऐसा बताकर आपको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि आपको डिजिटली लॉ एनफोर्समेंट ने अरेस्ट कर लिया और आपके घर पे पुलिस किसी भी वक्त आ सकती है। बेसिकली आपको कन्विंस करने की कोशिश की जाएगी कि आपने कुछ गलत किया है। दूसरे एंड पे जो स्कैमर होगा एक फेक पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले कर रहा होगा जो कि आपको IPC की अलग अलग वायलेशंस और धाराएं बताएगा। ऐसा भी हो सकता है कि एक लॉयर प्रेजेंट हो वहां पर जो आपको बताए कि आपको किस तरह क्या प्रोसीजर अपनाना चाहिए ताकि आप बच सकें। बेसिकली आपको कन्विंस करने की कोशिश की जाएगी कि आप कोई जुर्माना पे कर अपने आप को बचा लें, क्योंकि टैक्टिक यही होता है कि आपसे किस तरह पैसे निकलवाए जाए।
और इनका वीडियो सेटअप बाय द वे बहुत अच्छा होता है, क्योंकि बैकग्राउंड में आप देखेंगे कि लॉ एनफोर्समेंट पे जैसे आप मूवीज में देखते हैं या सीरियल्स में देखते हैं जो सेटअप होता है, वो बिल्कुल सेटअप तैयार करके आपको ऐसा कन्विंसिंग लगेगा कि एक्चुअल में जेन्युइन है। प्लीज प्लीज सावधान रहिए, बिकॉज ये सारे स्कैमर्स हैं जो कि फेक फोटोज, फेक वीडियो, फेक यूनिफॉर्म यूज कर रहे होते हैं आपको बेसिकली झांसा देने के लिए। ऐसे लोग इंडिया और इंडिया से बाहर ऑपरेट करते हैं, और उनके लिए सिम एक्सचेंज करना या फिर आपको वीडियो कॉल पे ना ज्यादा कुछ डिफिकल्टी नहीं होती। आप जैसे ही पेनल्टी पे कर दें, क्योंकि वो पेनल्टी के लिए आपको QR कोड्स भेजेंगे, बैंक अकाउंट नंबर्स भेजेंगे, जैसे ही आप पेनल्टी पे करें ये लोग गायब हो जाते हैं। अब डिजिटल अरेस्ट के नाम पे इन्होंने विक्टिम्स को घंटों तक ऑनलाइन रखा है, और आपको रेकमेंड भी किया जाता है आप नेटवर्क पे ना रह के वाईफाई पे रहे, क्योंकि वाईफाई पे किसी को ट्रैक करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। और इनके विक्टिम्स इंडिया में काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं अभी कुछ रीसेंट डेज में। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर आप ऐसे किसी सिनारियो में फंसे तो प्लीज पैनिक मत करिए, इनसे इनकी आइडेंटिटी पूछिए, इनसे आप जान सकते हैं कि इनका ब्रांच क्या है, इनका ऑफिसर आईडी क्या है, आप ये डिटेल्स इनसे मांग सकते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसे काउंटर क्वेश्चंस करेंगे तो शायद आपको वो आंसर ना कर सके एंड डेफिनेटली पकड़े जाने का उनका डर होता है। तो सेफ रहने के कुछ तरीके मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो एक बात समझ लीजिए कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज होती नहीं है। अगर IPC की बात करें तो आपको कोई पुलिस ऑफिसर डिजिटली अरेस्ट नहीं कर सकता। भारत सरकार ने भी ये क्लियरली कह दिया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का या फिर पुलिस का या फिर कस्टम्स का कोई भी ऑफिसर आपको SMS, ईमेल या फिर फोन कॉल पर ऐसे पेनल्टीज के लिए नहीं कॉल कर सकता, आपको अरेस्ट नहीं कर सकता। अगर अरेस्ट ही करना है तो आपके घर पे आके आपके ऊपर कार्रवाई होगी, लेकिन ऐसे डिजिटली किसी को भी अरेस्ट नहीं किया जा सकता। अगर आपको ये स्कैमर्स धमकाते हैं कि आपके घर पे पुलिस आ जाएगी तो प्लीज डरिए मत, ऐसे इनविटेशंस को आप एक्सेप्ट करिए, क्योंकि ये मोस्टली स्कैमर्स होते हैं। अगर आप कंफर्म भी करना चाहते हैं कि आपके ऊपर ऐसी कोई कार्रवाई हुई है तो आप नजदीकी पुलिस स्टेशन पे जाकर ये पता कर सकते हैं कि अगर आपके अगेंस्ट ऐसे कोई वायलेशंस रिकॉर्ड किए गए हैं कि नहीं, क्योंकि इन स्कैमर्स का बेसिकली ऑब्जेक्टिव होता है कि आपसे किस तरह पैसे निकलवाए जाएं। जैसे आप पेनल्टी पे करते हैं ये लोग गायब हो जाते हैं। तो अगर नेक्स्ट टाइम आपसे कोई भी ऐसे कॉल करके स्कैम करने की बात करे या फिर आपसे पैसे मांगने की कोशिश करे तो उनसे उनका आईडी मांगिए, उनसे लोकेशन पूछिए, क्योंकि यही एक तोड़ है जिनसे इन स्कैमर्स का पता लगाया जा सकता है। अगर ये नहीं बताते तो मान लीजिए कि आपको स्कैम किया जा रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा तोड़ इनके अगेंस्ट यही है। अगर आप इनको रिपोर्ट भी करना चाहते हैं तो साइबर पुलिस और साइबर क्राइम के लिए एक ऑफिशियल आईडी है cybercrime.gov.in, इस पे आप ये कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं, और एक 24/7 नंबर होता है 1930, इस पे आप कॉल करके भी पता कर सकते हैं कि इनसे किस तरह आप टैकल कर सकते हैं। बहुत सारे इंडियंस ऐसे डिजिटल स्कैम्स का शिकार हुए हैं, हमने पार्सल स्कैम के ऊपर भी एक वीडियो किया है जो आप यहां जाकर देख सकते हैं, उसमें बताया गया है कि पार्सल को यूज करके, कस्टम ड्यूटी को यूज करके किस तरह लोगों को बेवकूफ बना जाता है, बेसिकली उनसे पैसा लूटा जाता है। दैट वीडियो इज ऑल्सो हेल्पफुल इन्फॉर्मेशनल। इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये हेल्पफुल लगा प्लीज इसे शेयर करिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज शायद ये इन्फॉर्मेशन उन्हें किसी स्कैमर से बचा सकते हैं। ऐसे और दिलचस्प वीडियोज के लिए प्लीज फॉलो एंड वॉच Fiber Hindi by India Today. Take care.